शहर में कोरोना वायरस से बाधित मरीज पाए जाने के बाद अचानक हरकत में आए मनपा प्रशासन ने तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अब लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही अगले आदेशों तक डॉक्टर का अवकाश रद्द होने की जानकारी स्वास्थ्य समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने दी है। कोरोना के संदर्भ में मनपा की ओर से किए जा रहे उपायों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही डॉक्टर को छुट्टी प्रदान की जा सकेगी, जिसके लिए पहले छुट्टी के कारणों की जांच भी होगी। यदि कोई बड़ा कारण हो तो ही छुट्टी दी जा सकेगी, अन्यथा डॉक्टरों को अगले आदेशों तक 24/7 अलर्ट मोड पर रहना होगा। आज आरोग्य समिति की एक विशेष बैठक हमने बुलाई। कल 11 मार्च को कोरोना का एक वायरस का जो पेशेंट है वो पॉजिटिव नागपुर में मिला। अनफॉर्चुनेटली ये जानकारी जैसे ये घटना हुई, जैसे इन्फॉर्मेशन आई, इमिजिएटली उसके अगेंस्ट में नागपुर महानगर पालिका ने आज मॉर्निंग से जितने भी अपने हॉस्पिटल्स है उनको इक्विप्ड करना शुरू किया। वैसे पिछले 15 दिन से हम इसकी तैयारी कर रहे थे। सारे के सारे शहर में इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से बैनर्स हमने सब जगह हॉस्पिटल्स में लगाए थे। आज दिन भर से स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिल के हमने नागपुर महानगर पालिका में इसको कैसे रोकना और आगे कैसे सब लोगों को इसकी जानकारी देना, इसके ऊपर में मीटिंग्स लिए। नागपुर महानगर पालिका और राज्य शासन पूरे तरीके से सतर्क है ऐसे किसी भी वायरस के साथ में लड़ने के लिए, लेकिन आम जनता के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है। और आज की हमारी मीटिंग से इससे जुड़ी हुई जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी मेडिसिन नागपुर महानगर पालिका में उपलब्ध है, ऐसा हमने सबसे चर्चा की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।